भारत भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे सामने बैठे भारत विकास परिषद के प्रमुख हरीश भाई बरोट, KIRC के चेतन बोरा जी, मुझे यहाँ बुलाने वाले रमेश जोशी जी, महेंद्र भाई, कल्पेश जी और मुकुंद भाई, इसके अलावा यहाँ आए सभी बहनों भाइयों छात्रों छात्राओं बच्चों सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूँ और अपना आशीर्वाद भेंट करता हूँ। पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको हम माता कहते हैं। अमेरिका अमेरिका के लोग माता नहीं कहते, क्या कहते हैं? फादर। रूस को लोग फादर कहते हैं। तो पूरी दुनिया में या तो लोग अपने देश को कुछ कहते ही नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जिनको कुछ नहीं कहते हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिसको फादर कहते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसको फादर नहीं कहते, क्या कहते हैं? माता। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, कितने रिलीजन है? 1100। इकलौता रिलीजन, इकलौता धर्म सनातन धर्म है जहां पे लड़कियों की पूजा होती है। 1100 यानी 10,000 1999 रिलीजन में लड़कियों की पूजा का कोई प्रावधान ही नहीं है, वहां फीमेल की पूजा होती नहीं है, केवल मेल की पूजा होती है। और भारत में उल्टा है, कोई एक त्योहार बताओ जहां बच्चों की पूजा होती हो, है क्या कोई? लेकिन साल में 2 बार नवरात्रे में किसकी पूजा होती है? लड़कियों की। तो भारत माता है और हमारे देश में मनुस्मृति में लिखा है नारी तू नारायणी, नारी क्या है? तू देवी है। ऐसा दुनिया के किसी और रिलीजन में नहीं है। यत्र नारंती पूज्यते रमंते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा किसी भी और रिलीजन की किताब में लिखा ही नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने किस परंपरा की शुरुआत किया, हमारे वेद पुराण में क्या परंपरा शुरू की गई। लेकिन यह दुख रहा कि हम बीच में अपने कुछ पूर्वजों की गलती के कारण 700 साल गुलाम रहे। और याद रखिए, परिवार का मुखिया अगर गलती करता है तो उसका खामियाजा एक परिवार भुगतता है, गांव का मुखिया गलती करता है तो उसका खामियाजा एक गांव भुगतता है, लेकिन जब राज्य का मुखिया गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरा राज्य भुगतता है। और हमारे पूर्वजों से गलती हुई, अदरवाइज जिसको पता हो कि हमारा दुश्मन है, ये लुटेरा है, ये डकैत है, ये हमारा घर लूटने आया है, उसको कोई 18 बार माफ कर सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो भूल हुई कि नहीं, गलती हुई कि नहीं, और उस गलती का खामियाजा हमने लगभग 500 साल झेला, उस एक गलती का खामियाजा। अरे भाई वो एक बार आया, चलो माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, 18 बार किसी को माफ करना चाहिए क्या?
एक बार समझ में नहीं आया उसका इंटेंशन क्या है, दो बार में समझ में नहीं आया उसका इंटेंशन क्या है, तीन बार में समझ में नहीं आया इंटेंशन क्या है, अगर आपको 18 बार में उसका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे राजा हो ही नहीं। और एक बात और, आप इस ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में लगभग 1000 की संख्या में आप बैठे हुए हैं, यहां दो गेट है, इस गेट से एक सांप घुस जाए, उस सांप को इस गेट में पकड़ना आसान है या एक गेट के अंदर घुस गया फिर अंदर पकड़ना आसान है? जोर से बोलिए जरा, गेट पे पकड़ना आसान है, क्योंकि अगर अंदर घुस गया तो आपको 1000 कुर्सियों के नीचे झांक झांक के देखना पड़ेगा, पता नहीं कहां छुप गया, पता नहीं किधर गया, पूरी हड़बड़ी मच जाएगी, पूरे इस हॉल में अफरा तफरी मच जाएगी, तब जाके वो सांप पकड़ में आया। और अगर गेट पे है, ये हमारे साथ सोनू डागर आए हुए हैं, इन्होंने अगर गेट पे मार दिया तो काम खत्म, सब लोग सुरक्षित। तो हमारे पूर्वजों से गलती हुई है, 12वीं शताब्दी में भी गलती हुई, 13वीं में भी हुई, 14वीं में हुई, 15वीं में भी हुई, 16वीं में भी हुई, 17वीं में हुई। जब अंग्रेज आए थे तो जब उन्होंने कलकत्ता को उनका जहाज रुका तो 300 आए थे केवल, कितने आए थे, और उस समय 10,000 लोग परिवार के साथ घूमने गए हुए थे। उस समय सी बीच पे कितने थे, 10,000, वो आए कितने थे, 300। अगर एक एक पत्थर उठा के सबने मारा होता तो जिस जहाज से आए थे उसी जहाज में बैठ के भाग जाते हो, हम गुलाम होते क्या? तो गलती हुई कि नहीं हुई, हमारे पूर्वजों से गलती हुई कि नहीं हुई? दुर्भाग्यवश वो गलती आज भी की जा रही है, वो गलती कंटिन्यू है, सबक लिया ही नहीं। और याद रखिए, अगर हम इतिहास से नहीं सीखते, गलतियों से नहीं सीखते, तो समस्या फिर रिपीट होती है। बड़े मुश्किल से हजारों लोगों माताओं ने जौहर किया, हजारों हमारे पूर्वज मारे गए, मरे, काटे, सब कुछ हुआ, तो मुगलों से आजादी मिली। मुगलों से मिलते ही आजाद थोड़े से हुए थी, अंग्रेज आ गए, 200 साल उनसे लड़े, फिर हजारों लोगों को फांसी हुई, आत्महत्या हुई, दुनिया भर की और तबाही झेली गई, बेइज्जती हुई, अपने देश में गुलाम बने रहे, अपने देश में टैक्स देते रहे, फिर 1947 में आजाद हुए, 1950 में संविधान लागू हो गया। संविधान में संविधान निर्माताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, क्योंकि यहां ज्यादातर लॉ के स्टूडेंट हैं तो सबने संविधान का प्रीएम्बल तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा भी सबने, पहला शब्द क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन भारत। सोवरेन का मतलब, सोवरेन का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन का मतलब ऐसा भारत बनाएंगे जहां विदेशियों का, गुलामों का नामो निशान नहीं होगा, ना गुलामी का नियम होगा, ना गुलामी का कानून होगा, ना गुलामी की भाषा होगी, ना गुलामी का रीति रिवाज होगा, ना गुलामी की परंपरा होगी, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, ना गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, कुछ ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। आज गुलामी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए, गुलामों की पुलिस व्यवस्था, गुलामों की वकालत, गुलामों की न्यायिक व्यवस्था, गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामों की भाषा, सब कुछ तो गुलामी है, तो गुलामी खत्म हुई क्या? संविधान निर्माताओं ने क्या कहा, हम एक सोवरेन भारत बनाएंगे। कैसा भारत बनाएंगे? आप लोग बहुत गंभीर मत होइए, ऐसा ना हो कि बस मैं बोलता रहूं आप ध्यान से सुनते रहो, वैसे सुनना चाहिए, लेकिन जब मैं कुछ पूछूं तो जोर से जवाब दो। आपका यह वीडियो 3 से 5 करोड़ लोगों तक जाएगा, उत्तर इतना तेज दो कि आपकी सबसे पीछे वाली आवाज इस माइक तक आ जाए,
लोगों को पता तो चले कि कलोल के लोग कितने पावरफुल हैं, कलोल के लोग कितने जोशीले हैं। इसलिए उत्तर देने में कमी मत रखो, जोर से बोलो, गुलामी खत्म हुई क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हमारा एड्रेस भी गुलामी वाला है, वही काली कोट, वही गाउन, वही पैंट, वही गुलामी के कानून। अब थोड़ी सी प्रक्रिया बदली है, शुरुआत हुई है। जो काम पहले के 15 प्रधानमंत्रियों को करना चाहिए था उसकी शुरुआत मोदी जी ने किया है। जिन अंग्रेजी कानूनों को नेहरू जी को खत्म करना था, गुलजारी लाल नंदा को खत्म करना था, लाल बहादुर शास्त्री को खत्म करना था, इंदिरा गांधी को खत्म करना था, मोरारजी देसाई को खत्म करना था, चरण सिंह को खत्म करना था, इंदिरा गांधी को करना था, राजीव गांधी को करना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को करना था, चंद्रशेखर को करना था, नरसिम्हा राव को करना था, वाजपेयी जी को करना था, देवगौड़ा को करना था, गुजराल जी को करना था, मनमोहन सिंह को करना था, वो काम अब कौन कर रहा है? तो इसलिए एक बार सब लोग मोदी जी के लिए जोरदार बोलिए, भारत माता की। अब तक 1500 कानून खत्म हो गए हैं। पहले तो छोटी मोटी कटाई शुरू हुई थी, सफाई शुरू हुई थी, निराई गुड़ाई शुरू हुई थी, अब बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। 1860 का इंडियन पिनल कोड भी बदला जा रहा है, 1861 का पुलिस, 1872 का एविडेंस एक्ट भी बदला जा रहा है, 1998 का CRPC बदला जा रहा है। तो अब बदलाव आ रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी आप लोग कॉलेज में हो, जब तक निकलोगे तब तक बदल चुका होगा, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नई वाली आपको याद करना पड़ेगा। हम लोगों के सामने समस्या हो गई, हम इतने दिन से पुरानी वाली याद कर रहे थे, अभी पूरा मिक्स हो गया है। हम 302 मर्डर याद कर रहे थे, अब 302 चैन स्नेचिंग होने वाला है, तो हम लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है।